हाय एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा महिंद्रा अर्जुनोवो का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके बारे में सारी चीज़ें। तो सबसे पहले ये है अर्जुनोवो की, ये की स्लॉट में जो है यहाँ लगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपको 3 मीटर दिख रहे होंगे, 3 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये हमारा डीजल का मीटर है, डीजल का। दूसरा ये जो मीटर है ये आप सभी पता होगा, ये RPM का मीटर है। तीसरा मीटर जो है टेम्परेचर बताता है इंजन का। सो ये महिंद्रा अर्जुन नोवो का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी सी MID मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो है दी जाती है। वहाँ पे ऊपर जो है टोटल आवर्स जो है अभी तक ट्रैक्टर चला है, जैसे ये वो डिनोट करता है। और नीचे जो है ट्रिप, ऊपर साइड जो है टोटल आवर जो अभी ट्रैक्टर चला है अभी तक वो बताता है। और नीचे साइड जो है ट्रिप, ट्रिप मतलब हम कहीं पे जाके जीरो, ऐसे जीरो में सेट कर देंगे तो ट्रैक्टर वहाँ से काउंट करेगा कि कितने घंटे चला है। और फिर ऐसे हम दबाएंगे लगातार 5 सेकंड तक, अगर हम इसे दबाए रखें तो वो फिर से ज़ीरो हो जाता है। सेकंड ये इंडिकेशन जो है ये आप सभी को पता होगा इंडिकेटर का है, ये 4x4 का है। फ़िलहाल ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है 4x4 नहीं है। बाकी यहाँ पे एक लीवर आता है तो अगर उसे हम इंगेज करें तो ये 4x4 का जो है इंडिकेशन आता है। ये न्यूट्रल स्विच है, अगर गाड़ी न्यूट्रल होगी तो वो स्विच जलेगा। और ये हाई बीम का स्विच है, हाई बीम जो है ऐसे अगर हम नीचे करेंगे तो हाई बीम होती है और ऊपर में लो बीम। और इसके ऊपर जो एयर क्लॉग इंडिकेटर का है, अगर अगर एयर फिल्टर चोक हो जाए तो जो है ये इंडिकेट करेगा कि आपको एयर फिल्टर जो है साफ़ करना है, तो यहाँ से जो इंडिकेट होता है कि एयर फिल्टर चोक हो गया है। सेकंड ये जो लाइट दी गई है, लाइट ये जो है कूलेंट, अगर टेम्परेचर जो है हाई हो जाए तो ये वार्निंग लाइट जलती है, यहाँ पे ये इंडिकेट करती है। सेकंड ये जो लाइट है ये लो इंजन ऑयल प्रेशर लाइट है, अगर गाड़ी के इंजन में ऑयल का प्रेशर अगर लो हो जाए तो ये ऑयल ये इंडिकेटर डिनोट करता है इसको, ये लाइट। ये बैटरी का स्विच है, अगर बैटरी चार्ज हो रही होती है तो ये बंद हो जाता है, और अगर बैटरी से चार्जिंग अगर यूज़ करती गाड़ी तो ये स्विच जलता है। और ये पार्किंग ब्रेक का है, पार्किंग ब्रेक का मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखिए अभी मैंने पार्किंग ब्रेक लगाया तो वो जला। और सेकंड ये जो इंडिकेटर है ये जो है सर्विस रिमाइंडर है, अगर गाड़ी की सर्विस होनी है तो ये इंडिकेटर जलता है और आपको बताता है कि गाड़ी की सर्विस होनी है। ये ऑटोमेटिक है, इसमें जो है गाड़ी कितने घंटे चलती है उस हिसाब से जो आपको कैलकुलेट करके बताता है कि इतने घंटों में गाड़ी की सर्विस होनी है, तो ये लाइट जलेगा और साथ साथ में एक बीप की आवाज़ भी देगा जिससे आपको सिग्नल मिल जाएगा कि गाड़ी की सर्विस होनी है। ये जो लाइट बची है ये अगर फ्यूल में, डीजल में अगर पानी आ जाए तो वो पानी को सेंस करके यहाँ पे बताता है कि आपके डीजल में पानी आ गया है, तो आप उसके टैंक के नीचे एक नॉब दिया है उसको खोल के जो है आप डीजल से पानी निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं सेपरेट, तो ये उसका इंडिकेटर है। और ये जो लास्ट इंडिकेटर बचा है ये लेफ़्ट साइड टर्न के लिए है। अब अगर आप सोच रहे होंगे ये सारे जो इंडिकेटर हो गए हैं, लेकिन DX डिलक्स मॉडल में जो है 2 इंडिकेटर और जो हैं और आते हैं, तो मैं आपको दिखा दूं। एक मिनट, ये जो इंडिकेटर आप देख रहे होंगे हल्का सा यहाँ पे, ये बताता है अगर PTO चल रही है हमारी, तो यहाँ पे इंडिकेट करता है PTO कि PTO चल रही है, और ये रिकॉर्ड भी करता है कि PTO कितने घंटे चल रही कितने नहीं। तो और ये सब जो है आप महिंद्रा की DigiSense ऐप है उसके थ्रू देख सकते हैं आप कि हमारा PTO कितने घंटे चला, कितने घंटे वर्क हुआ। तो यहाँ से ये PTO अगर चलता है तो ये लाइट जलता है, और नहीं चलता तो ये बंद रहता है। सेकंड यहाँ पे एक सेंसर है, ये है क्लच पैडल सेंसर। अगर ड्राइवर अगर क्लच में इस तरह से पैर रख के अगर गाड़ी चलाए इस तरह से, तो ये जो लाइट है ब्लिंक करने लगेगी और एक मैसेज जो है ट्रैक्टर के ओनर को भी जाएगा DigiSense ऐप के थ्रू कि जो ड्राइवर है ठीक से गाड़ी नहीं चला रहा है, क्लच में पैर रख के चला रहा है। तो वो एक SMS अलर्ट जो है ड्राइवर को, ट्रैक्टर के ओनर को भी पहुंचेगा। तो ये जो दो एक्स्ट्रा जो दो लाइट दी गई हैं ये हैं
कुछ फीचर्स और ये पूरा मैंने जो आपको बताया महिंद्रा अर्जुन नोवा के डैशबोर्ड में क्या क्या इंडिकेशन मिलते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू।